लाखों बेरोजगारों के सपनों को तोड़ने और बर्बाद करने वाले आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को कोर्ट में पेश किया गया। जब बाबूलाल का नाम इस केस में उजागर हुआ था तो हर कोई सन्न रह गया। किसी को यकायक विश्वास ही नहीं हुआ कि ये ऐसा कर सकते हैं। तमाम चालाकियां बरतने के बाद भी कानून के हाथ बाबूलाल कटारा तक आखिर पहुँच ही गए। अब तमाम अहम जानकारियाँ निकलवाने की कोशिश एसओजी कर रही है। आरपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार बाबूलाल कटारा को पूरी एहतियात के साथ शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान आरपीएससी पेपर लीक में ही अन्य आरोपी भी साथ ही मौजूद थे। आपको याद दिला दें कि पेपर लीक मामले में एसओजी ने 18 अप्रैल को आरपीएससी सदस्य की संलिप्तता सामने आने पर बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया था। एसओजी की टीम बाबूलाल कटारा और भांजे विजय कटारा के साथ गोपाल सिंह जो कि ड्राइवर था उसी के साथ एक अन्य को भी कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात कर रखा था। अब इसी के साथ बेरोजगारों को उम्मीद है कि अब उनके सपनों में कोई सेंध नहीं लगा पाएगा, उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी।